हाय दोस्तों, आज मैं सनफ्लावर बताने जा रही हूँ आप लोग को, जिसे मैं बुके में यूज कर सकती हूँ और इसे सजाने में, गिफ्ट देने में बहुत ही डेकोरेटेड होता है। और ऐसे किस प्रकार से बनाएंगे आज मैं आप लोग को ये बताने जा रही हूँ। इसे तीन भागों में हमें इसे काटना पड़ता है, इसके तीन लेयर होते हैं। इसे हम लोग बकरम में बनाते हैं, जिसे दो प्रकार के बकरम होते हैं। एक होते हैं ये जो हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ये प्लास्टिक है टाइप के हैं जो कपड़े पे चिपक जाते हैं, ये वो बकरम है। तो इसे सबसे पहले हम एक नाप में काट लेते हैं। इसे इस तरह हम मोड़ेंगे, इस तरह फोल्ड करके हम इसे पूरे नहीं काटेंगे, हम इसे थोड़ी सी इतना काट के छोड़ देंगे। कटने के बाद ये इस प्रकार से होंगे, जिसे हम लोग इस तरह शेप में एक साइड से काटेंगे और फिर इस तरह इसे पीछे से भी हम इसे सारे पत्तों को इस तरह काटेंगे। ये कट के इस तरह हमारा रेडी होगा, जिसे हम इस तरह करके तीन लेयर में बना के हम इसे कलर कर देंगे। ये इस तीन लेयर में बनाने कलर करने के बाद इसे हम इसे इस तरह करके, इस तरह लगाकर ये बीच में हम होल करके और इसे हम यहाँ इस तरह लगा देंगे। और इसके बाद इसे हम बनाने के बाद हम इसे ये गोंद लेकर हम इसे चारों ओर इसकी गोंद लगाएंगे। ये है चाय पत्ती जो हम इसके ऊपर एक फ्राक का काम करते हैं, इसे हम यहाँ पे गलने के लिए लगा देते हैं। जैसे अब इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर, और जिस तरह ये सूखी इस तरह फूल बस शाइनिंग देने लगेंगे। और इसके बाद हम इसकी नीचे में लेयर में हम इसकी टेप देंगे, ये ग्रीन टेप है। हम इसे यहाँ पे इस प्रकार से
मोड़ देंगे। अब इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे, जिससे सूखने के बाद ये पत्ते खुद ब खुद अपने शेप में आ जाएंगे और बिल्कुल इस तरह ये फूल दिखेंगे, बहुत ही खूबसूरत। और आप चाहे जिस प्रकार से भी अपने पसंद के कलर्स में भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।